मुल्तानी ठोके क्या आवाज नहीं आ रही मुझे, किस साइड पे एनर्जी अभी बाकी है? राइट साइड वाले मुझे लगता है यार थक गए यार, ये बस करते हैं, चलो यार बस करते हैं। थैंक यू सो मच मुल्तानी। कौन सा गाना सुनने? मेरा पहला इंडियन सॉन्ग था जो मैंने इंडिया में जाकर गाया था, जिसके हीरो जॉन अब्राहम थे एंड मूवी का नाम था आई मी और मैं। मैं चाहता हूं कि आप मुल्तान वाले इतना सुर में गाए कि फलक भी पीछे रह जाए, और स्पेशली ये जो सामने वाले जितने भी है ना, बिल्कुल सामने वाले पंजाबी में कहते हैं ना ओए तुसी छा गए हो सारे, तो इतना ऊंचा होना चाहिए कि मेरी आवाज मध्यम पर जाए और मुल्तान की आवाज गूंज रहे। जुड़े जो तेरे ख्वाब से तुमसे ज्यादा एनर्जी नहीं तो मुझ में, मैं तो अभी दो तीन घंटे और गाऊंगा। आप लोगों की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही, मुल्तानियों तो साथ गाते हैं। जुड़े जो थे तो टूटे हम, ये कैसा थे साजन मिनट
तुम लोग थकोगे फर्क नहीं थकने वाला, क्योंकि मुल्तान बहुत प्यार देता है। मुझे लगता थक गए यार आप लोग। मैं अपने साथ जाके इसका नाम जानू करेंगे। ये आप सबका प्यार है तभी तो फर्क स्टार है। और उससे जाने से पहले सैन अब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। इसके लिए बहुत सारी तालियां और शोर होना चाहिए। And also one more time, हसान खालिद जिन्होंने पूरा इवेंट अरेंज किया, बहुत खूबसूरत अरेंज किया है। और हमारे साउंड पर आज इमरान भाई हैं जिनको हम प्यार से मुन्ना भाई कहते हैं। इमरान भाई वन ऑफ द बेस्ट साउंड, थैंक यू सो मच। हाँ जी सॉरी कासिम भाई आए आज। कासिम भाई बहुत जबरदस्त, ये भी सलूट आपके लिए। हाँ जी भंगड़ा हो गया, सैड सॉन्ग हो गया, अनपढ़ रोमांटिक हो गया, पार्टी हो गई, धमाल नहीं हुई तो धमाल के लिए कौन तैयार है? क्योंकि अभी तो धमाल मौला।
ऑडियंस इतने प्यारे लग रहे हैं ना आप लोग यहां से, मैं बयान नहीं कर सकता. एंड आई एम ग्रेटफुल टू सेवन अप फेस्टिवल दैट दे हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू वंस अगेन. मुल्तान सुल्तान का मेरे साथ बड़ा पुराना रूहानी ताल्लुक है. मैं एक चीज बताता चलूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड हेल्थ को डिफाइन करती है, सेहत को, वो कहती है मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग को हेल्थ कहा जाता है. जबकि मैं कहता हूं जब तक स्पिरिचुअल वेलबींग का वर्ड ऐड नहीं होता वन कैन नॉट बी कंप्लीटली हेल्दी. सो रूहानी सेहत इंतहाई जरूरी है और मुल्तान रूहानी सेहत का मरकज है, इसमें कोई शक नहीं है. ये बाबों की और ये ग्राम की सरजमीन है. मुझे याद है जब मैंने सहारा की कैंपेन शुरू की तो किसी ने कहा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कराची से शुरू करते हैं, किसी ने कहा नहीं नहीं लाहौर से करते हैं, किसी ने कहा नहीं फैसलाबाद से करते हैं, वहां बहुत पैसा मिलेगा, हमने चूंकि पैसे इकट्ठे करने थे. तो मैंने कहा नहीं, मुझे कहते हैं चेयरमैन साहब आप नहीं बता रहे. मैंने कहा यार मुल्तान से शुरू करनी है. अच्छा वो सारे मेरी शक्ल देख रहे हैं कि मुल्तान से क्यों कर रही है, उधर लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, वो पैसे नहीं देंगे. मैंने कहा यार पैसा नहीं, उधर लोगों के पास दिल है, मोहब्बत है, पैसा तो अल्लाह ने देना है. तो जब मैं यहाँ होटल से निकला था तो बाहर फकीरों की लाइन लगी हुई थी. मैंने कहा यार इनको कुछ दो, आज तो हम फकीर बन के जा रहे हैं. तो फकीरों को जब पैसे देने लगे उन्होंने कहा नहीं 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 एक मिनट, हम पैसे आज लेने के लिए नहीं आपको देने के लिए आए हैं, हमारी तरफ से मिले. और हमने एक दिन में 45 लाख रुपए इकट्ठा किया था. उस वक्त 45 लाख एक बड़ी अमाउंट थी और हॉस्पिटल में वो इस्तेमाल हुए. अभी उस हॉस्पिटल में अभी तक 37 लाख मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है. आप लोगों को मुबारकबाद. 3.7 million पीपल हैव बीन ट्रीटेड in Subrah Shafi Hospital and medical colleges also up and running. And thank you very much Multan, you've always been very kind. Aur yahan par Sheikh Amin Rahmatullah Alayh ek bade zabardast buzurg hain, unke paas bhi aata hu aur hum unse seekhte rehte hain. To ye auliya ikram ki sarzameen hai, mujhe yahan aake hamesha acha lagta hai. Lekin aap log itne dur kyun hain mujhse, mera dil chah raha hai ki main wahan aake perform karu. सबसे जबरदस्त लोग किधर है, इस तरफ है, इधर या फिर इधर है, हर तरफ ही अच्छे लग रहे हैं मुझे. ओके तैयार है? आप लोगों ने फूड फेस्टिवल एंजॉय किया, खाना वाना खाया हुआ है अच्छी तरह से, एक्सरसाइज का मूड है ना,
भंगड़े का मूड है। इससे पहले मैं आपको एक हमद अपनी जिससे मैं हमेशा आगाज करता हूँ वो जरूर सुनाना चाहूंगा, और जब मैं वो सुनाता हूँ तो एक छोटा सा वाकया कि हमारे घर एक अल्लाह के वली एक बुजुर्ग आया करते थे, और जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता था ना तो उनकी आंखों में से आंसू जारी हो जाते। वो कुछ ऐसा करती है कि बलि बन जाती है, मतलब तुझे वो क्या करती है, क्या बात करे सखियों से
को टैक्स लगेगा ना, मैं बता रहा हूँ। जितने आप लोग आज सारे के सारे हसीन लग रहे हैं, इस्लामाबाद मंगवाई एफएक्स, सोने दे उत्ते लगे करेगा टैक्स, आजकल आपा एक फोरम बड़ा लगा, आजो 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 दिन टैक्स बचाना है, आज चुकड़ियों ढाण दियो कलो सानू जोएन
फैसलाबाद और जो हमने आप कहा गया था दूसरा वाला आप लोग माशाल्लाह।